तो लास्ट क्लास में हमने देखा था भैया कि कहां पे आपका मैक्सिमम, कहां पे आपका मिनिमम, ठीक है, किस किस कंडीशन में किस किस तरीके से गेम को छोड़ा जाए कि वो मैक्सिमम बनाए यानी रिस्ट्रिक्टिव इंटरफेरेंस, या मिनिमम बनाए यानी रिस्ट्रिक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। आज जो करने जा रहे हैं हम ओआईडीएसए इसमें क्या होता है भैया कि एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स होता है, सिंगल सोर्स, क्रस्ट ग्राफ, क्रस्ट ग्राफ, ये भैया, फिर इसके यहां से एक आपका शार्प सोर्स बनता है भैया, नैरो इस तरीके से, यहाँ पे आप डबल स्लिट लगाते डबल स्लिट ताकि आपको दो दो सोर्स मिल जाए और दोनों क्या भैया कोहेरेंट हो, कभी एक सोर्स से ही आप कोहेरेंट सोर्स निकाल सकते हो, एक ये मिल गया क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट, समझे भैया, बिल्कुल सेम इसी तरीके से इस वाले सोर्स से भी निकलेंगे, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, तो आप देख रहे हो ये दोनों सोर्स है, जो भी वेव सारी है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है कई सारे पॉइंट, तो इनके इंटरसेक्ट करने के तरीका अलग अलग, कई बार क्रस्ट 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 एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो यहां पर मतलब यह कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या मतलब भैया इस केस में आपकी इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का काफी ज्यादा होगा, और आपको बता दू जब भी मैं आईडीएससी की बात करूंगा तो पहली इक्वेशन क्या होगी ए साइन ओमेगा टू, तो दूसरी भी क्या होगी भैया ए साइन ओमेगा टू, ये भैया दोनों इक्वेशन क्या होगी, दोनों वेव्स एक जैसी होगी क्योंकि एक ही सोर्स से निकल रही है, दोनों इक्वेशन में जैसे एम्पलीट्यूड क्या होगा टू के बराबर, ये भैया, और कई जगह पे आप देख रहे हो ये तो क्रस्ट क्रस्ट और हाइट बढ़ेगी, क्रस्ट क्रस्ट करेंगे तो क्रस्ट के ऊपर होता ना ऐसा ऊपर हाइट बढ़ेगी, क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ यार सॉरी पहले ट्रफ 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 को मैंने लॉजिक से बना रखा है, ये ट्रफ ये ट्रफ ये ट्रफ ये ट्रफ, जब ट्रफ ट्रफ एक दूसरे को ओवरलैप करते तो आप उतने नीचे की तरफ एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये भी क्या हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, लेकिन कई बार ऐसा होता है क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट और यहां पर भी क्या बनेगा क्रस्ट ट्रफ में भी ब्राइट फ्रिंज, फ्रिंज मतलब स्पोर्ट्स हो सकते हैं, और जहां पर कुछ नहीं होता तो आप क्या होता है डार्क फोर्स, डार्क फोर्स, इसे ब्राइट स्पॉट भी कहते हो, ब्राइट स्पॉट, स्पॉट मतलब स्क्रीन पर ब्राइट स्पॉट बनेगा, यहां पर भी क्या होगा ब्राइट स्पॉट स्पॉट, और यहां पर होगा डार्क स्पॉट, यहां पर कोई लाइट नहीं है डार्क स्पॉट, तो ये हो गया आपका YDS, YDS में ध्यान रखना जो दोनों वेव्स हमने ली है वो दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं, एकदम एग्जैक्ट आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। अब देखिए इस वाले सोर्स का यहाँ पे जो ये आपकी स्लिट है ये S1 स्लिट है, ये S2 स्लिट है, S1 स्लिट की विड्थ क्या भैया W1, और यहाँ से निकल रही वेव का एम्पलीट्यूड क्या भैया A1 मान लीजिए, मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, वैसे दोनों से बराबर निकलता है, यहां से भी है यहां से भी A1, और यहां से निकलने वाली इंटेंसिटी क्या भैया I2, S2 सोर्स की विड्थ क्या भैया W2, यहां से कितना एम्पलीट्यूड निकला दूसरे वाले सोर्स के A2, ऐसे दोनों बराबर एक तो पहले बता दिया, इंटेंसिटी क्या भैया I2, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन में देखा गया है कि विड्थ विड्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पहले से लिख दो, पहले से लिखता हूं, इसको मैं लिख रहा भैया लिखना है S1 सोर्स की जिसकी विड्थ का W1 है वहां से निकल रही है
A amplitude, A1 amplitude by I or A1 amplitude के light intensity क्या भी I बना. S2 से W2, S2 की विड्थ क्या W2, उससे A amplitude, A2 amplitude क्या कितना भी है और intensity क्या भी आपकी I2. ठीक है? इसे भी थोड़ा होगा. ठीक है? गेट थोड़ा सा तो थोड़ा खोल से बंद नहीं करता क्या. ठीक है ए, तो देखिए भैया ऑब्जर्वेशन में देखा गया कि भैया ये जो डब्ल्यू वन है ये जो एम्पलीट्यूड है वो डब्ल्यू वन के डायरेक्टली पूछ रहा हूँ. तो जितनी ज्यादा स्लिट विड्थ होगी उतनी ज्यादा क्या होगी वहां से उतनी एम्पलीट्यूड वाली लाइट निकलेगी उतनी ज्यादा एम्पलीट्यूड वाली लाइट निकलेगी. तो यहाँ पे इस चीज को देखते इन्होंने एक रिलेशन बताया बनाया छोटा सा कि डब्ल्यू वन अपॉन में डब्ल्यू टू इज इक्वल्स टू में इंटेंसिटी आई वन अपॉन में आई. जितनी ज्यादा विड्थ रहेगी उतनी ज्यादा उससे क्या होगी लाइट निकलेगी. जितनी कम विड्थ रहेगी उससे उतनी कम क्या होगी लाइट निकलेगी. तो ये देखिए W1 अपॉन W2 इक्वल्स टू I1 अपॉन I2. तो आपको पता है I क्या होता है इंटेंसिटी होता है और इंटेंसिटी क्या होता है भैया K टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड स्क्वायर. तो भैया क्या हुआ K K नीचे ऊपर नीचे दोनों आएगा K एम्पलीट्यूड फर्स्ट का स्क्वायर K एम्पलीट्यूड सेकंड का स्क्वायर. K से K क्या हुआ कैंसिल हो गया. तो W1 अपॉन में W2 इक्वल्स टू में I1 अपॉन में I2 इक्वल्स टू में A1 अपॉन में A2 का होल स्क्वायर. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन तो ध्यान रखना भैया. काफी सारे क्वेश्चन इससे होते हैं सीधे सीधे. ये भैया अब देखिए वाइड एसी की बात करें तो आपको पता है आप दोनों ए वन ए टू क्या होगा इनवाइड एसी. इनवाइड एसी क्या वाइड एसी में क्या हो गया ए वन क्या हो गया ए टू के बराबर रहेगा. ए वन ए टू के क्या रहेगा भैया बराबर रहेगा. तो मैक्सिमम है एम्पलीट्यूड का फेज क्या होगा अगर कंस्ट्रक्टिव है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको याद है कंस्ट्रक्टिव डिफरेंस का मतलब जो फेज डिफरेंस क्या हो गया 2n पाई हो गया भैया 2n पाई है. तो उस केस में अगर आप एम्पलीट्यूड निकालोगे रिजल्टेंट वेव का तो क्या होगा रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड निकालोगे तो आपको क्या लग गया a1 की जगह पे a a स्क्वायर आएगा b की जगह पे क्या लग गया b a स्क्वायर आएगा प्लस 2a की जगह पे a b की जगह पे नहीं आएगा भैया a ही आएगा और cos क्या भैया 2n पाई cos 2n पाई की वैल्यू क्या होती है ये भैया तो ये लगा r इक्वल्स टू में a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर ये क्या हो गया 4a स्क्वायर फाइनल 2a मतलब जो नई वेव रहेगी उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा जो भी वेव हमारे सोर्स आ रहा है उसका एम्पलीट्यूड का डबल जो रिजल्टेंट वेव है ना जहां पे कंस्ट्रक्टिव है और जहां पे फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करो तो आपको पता है फेज क्या होता है भैया 2n प्लस 1 पाई बाय 2 याद है इस पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता था कल आपको याद होगा. ये क्या पाई बाय 1 प्लस 1 अच्छा पाई. तो भैया देखिए तो r इक्वल्स टू में इधर भी क्या आएगा a स्क्वायर इधर भी क्या आएगा a स्क्वायर प्लस 2a a cos 2n प्लस 1 इस पे हर वैल्यू क्या होगी भैया माइनस वन होगी. ये आएगा आपका टू ए स्क्वायर और यहाँ से भी क्या हो गया माइनस वन और ये क्या माइनस टू ए स्क्वायर ये और ये कैंसिल हो गया रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या हो गया जीरो. मतलब जब भी आपका कंस्ट्रक्टिव होगा तो आपका एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा जब भी आपका डिस्ट्रक्टिव होगा तो एम्पलीट्यूड क्या होगा वाइड एसी केस में जीरो हो जाएगा. ठीक है भैया इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी जैसे कि आपको पता है भैया इंटेंसिटी क्या हो गया रिलेटेड वेव बोलो अब ये k टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड स्क्वायर होगा ना r का स्क्वायर तो k एम्पलीट्यूड क्या हो गया 2a स्क्वायर तो i r क्या हो गया k 4a स्क्वायर और 4 k a स्क्वायर यानी देखिएगा k स्क्वायर क्या है एक व्यक्ति व्यक्ति कृष्ण का डिवाइड क्वेश्चन में a sin ओमेगा t लेगा. तो अगर मैं इसकी इंटेंसिटी की बात करूं तो क्या हो गया k स्क्वायर होगा. तो हम देख रहे हैं भैया के स्क्वायर चार गुना बढ़ गया मतलब कि जो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी रहेगी वो फोर टाइम्स होगी एक वेव की. मतलब एक वेव की इंटेंसिटी अगर आई है
तो इंटरफेरेंस के बाद जो नई दवाई की इंटेंसिटी क्या होगी उसकी भैया फोर टाइम्स ऑफ वन ये भैया। लेकिन ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में देखो क्या तो इंटेंसिटी क्या होगी भैया के एम्पलीट्यूड क्या भैया जीरो तो एम्पलीट्यूड क्या होगी जीरो जब हम ग्राफ खींचते हैं इंटेंसिटी वर्सेस ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है भैया इंटेंसिटी वर्सेस फेस का ग्राफ खींचे ठीक है भैया। ये इंटेंसिटी क्या भैया फोर है क्या भैया फोर है और इस पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या भैया इस एक्सिस पर जीरो ये फेज है। अच्छा जीरो फेज था तो दो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस जीरो था दो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस जीरो था तो भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी क्या भैया मैक्सिमम। लेकिन जैसे ही डिफरेंस पाई हुआ क्या हुआ तो इंटेंसिटी क्या हो गई आपकी जीरो जैसे ही आपका फेज डिफरेंस पास क्या हो गया टू पाई क्या हुआ तो फिर आपकी इंटेंसिटी क्या हो गया फोर पाई फोर आई पे फिर जैसे ही आपका थ्री पाई हुआ फिर क्या हो गया टू पाई पे फिर फोर पाई क्योंकि इंटेंसिटी तो आपका वही रहेगा कंस्ट्रक्टिव जहां पर भी होगा हमेशा फोर आई इंटेंसिटी रहेगी ठीक है। फिर उसके बाद देखिए भैया फिर 4 पाई पे फिर मैक्सिमम 5 पाई पे फिर जीरो ये लगातार ऐसे ही चलता रहेगा ग्राफ ऐसे ही बनता रहेगा बिल्कुल सेम माइनस पाई का इधर माइनस 2 पाई का मैक्सिमम माइनस 3 पाई का इधर माइनस 4 पाई का इधर ये चलता रहेगा ठीक है भैया। ऐसे पाई डिफरेंस कितने बढ़ता जाए आपका ग्राफ हमेशा ऐसे रहेगा। ये ध्यान रखना भैया कि जो इंटेंसिटी होती है वाइड एसी में वो पाई डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। कंस्ट्रक्टिव होगा तो डार्क मिलेगा आपको कोई सही पार्ट डिफरेंस हो डिस्ट्रक्टिव होगा तो हमेशा 4i के बराबर इंटेंसिटी मिलेगी वाई डीएससी में वरना अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 के होल स्क्वायर के बराबर इंटेंसिटी मिलेगी। कंस्ट्रक्टिव में यही कंस्ट्रक्टिव डिफरेंस में जो रिलेटिव वेव इंटेंसिटी थी तब मैंने ये लिखा थी और डिस्ट्रक्टिव में क्या दे रहा i1 माइनस i2 और अभी क्या अगर वाई डीएससी बात करो तो वाई डीएससी का आई वन आई टू रूट में लिखा क्या सेम रहती है तो क्या हुआ अंडर रूट आई टू अंडर रूट आई और उसका स्क्वायर करो तो क्या हुआ फोर आई क्या होगा भैया फोर आई। लेकिन याद रखो अंडर रूट आई माइनस अंडर रूट आई दोनों बराबर है क्या होगा भैया जीरो। तो इस तरीके से ध्यान रखना भैया कि वाई डीएससी में अगर देखोगे तो इंटेंसिटी कहीं पर भी देखोगे ब्राइट तो हमेशा क्या रहेगी सेम रहेगी फोर आई फोर आई फोर आई फोर आई और जहां पर डार्क स्पॉट रहे तो आप किसी प्रकार की लाइट की कोई इंटेंसिटी आपको नहीं मिलने वाली ठीक है भाई। जल्दी करो भैया किसी को करना कर लो भैया किसको किसको सुन रहा है क्या अभी एक मिनट रिजर्व तो मैच करा तो मैच करा तो मैच करा तो एक मिनट करा तो मैच 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 करा तो मैच
भैया पोजीशन धारी के पहले 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 कंप्लीट करते हो उसको फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ठीक है पोजीशन एंड स्लिट विड्थ ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड अब ये जैसे तबे यार एमसीओ गेट बंद कर दे भैया पोजीशन ऑफ स्लिप का क्या लिखा भैया पोजीशन ऑफ स्लिप पोजीशन एंड स्लिप विड्थ ऑफ स्लिप विड्थ नहीं लिखा फ्रिंज विड्थ फ्रिंज विड्थ यानी काफी इंपॉर्टेंट है फ्रिंज विड्थ ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पक्का बोल देते हो और अपना अपनी ये देखियो देखो कैसे आ जाए कौन चला रहा फोन बोलते थोड़ी बात कर लेगी मैसेज देखिए पोजिशन एंड चुप रहो भैया पोजिशन एंड फ्रिंज विड्थ ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव तो ऐसे बहुत सारे भैया ये इस पोजीशन से स्क्रीन पर बने सारे के सारे ये सब काम है भैया तो बोलेगा पहले ब्राइट की पोजीशन बताओ तो पहला ब्राइट क्या है यार इससे दूरी बताओ पहला डार्क बताओ इससे दूरी बताओ अगला ब्राइट बताओ इससे दूरी बताओ मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट एक फिक्स पॉइंट ले लेंगे ओ और उससे जो दूरी रहेगी ब्राइट और डार्क की तो वही क्या कहेंगे पोजीशन वही ब्राइट और डार्क की क्या कहलाएंगे आप पोजिशन ये भैया चलो निकालते हैं वो पोजिशन कैसे निकालेंगे उठो जाए अभी करण का हाथ चेक करा मैंने कहा करण तुझे तो हाथ काट रखा हूँ आपको चार पांच जगह से तो करण ने कहा कि देखो भाई मैंने तो नहीं काट रखा मैंने कहा क्या बनेगा रे तू आशिक करण भाई फिर काट दे यार किसी चीज से करण चला दो प्लीज फिर जाके मैंने करण चलाया चार पांच अब लगेगा थोड़ा अच्छा अभी और करूंगा देखिए ये आपका भैया पहला सोर्स पहली स्लिप S1 और ये भैया आपकी दूसरी स्लिप S2 ये रही आपकी स्क्रीन और ये रहा ओ पॉइंट ये भैया अब ये सर्विस तुम्हारे को इतना बढ़िया है आज ही करवाई तो यार ओए ओए देखो जाके पार्टी में की पार्टी से नीचे वाला पूरा गिरा रहे हैं हां हमारे चलता जब मेरे को दिक्कत होती तभी चलाता हूं बच्चों के लिए चलता है आगे मुझे दिक्कत होगी तो चलेगा ठीक है भाई तुम ये देखिए मैंने ओ पॉइंट मान लिया मैंने मान लिया भैया यहां से एक वेव निकली यहां से एक वेव निकली इधर पहुंची और इस पॉइंट पर क्या हो गया भैया इंटरफेरेंस हो गया क्या हो गया भैया अब वो इंटरफेरेंस कौन सा हुआ दो तरह के इंटरफेरेंस हो गए कंस्ट्रक्टिव हुआ अब कंस्ट्रक्टिव हुआ होगा तो यहाँ पे ब्राइट बन गया होगा मतलब समय बन गया होगा और डिस्ट्रक्टिव बना होगा तो करण बन गया हो तो भैया हमें नहीं पता हम नहीं जानते किस तरह का स्पोर्ट बना और हमने मान लिया जिस
यहाँ पर जो इंटरफेरेंस हुआ है उसकी दूरी क्या है एक्सल, क्या है तो एक्सल क्या है इस पी पॉइंट पर जो किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस अगर हुआ है तो उसकी दूरी पी पॉइंट ओ पॉइंट से कितनी भी है। देखिए पहले ये बताओ मैं आपको आपको पता है इन दोनों के बीच में ये दोनों वेव्स एक वेव ये इनके बीच में कंस्ट्रक्टिव हुआ है डिस्ट्रक्टिव हुआ है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि इन दोनों के बीच की लंबाई का डिफरेंस कितना है। अगर लंबाई का डिफरेंस दो वेव्स की लंबाई का डिफरेंस अगर लैम्डा आता तो कंस्ट्रक्टिव बनता है, 2 लैम्डा आता तब भी कंस्ट्रक्टिव याद ना भैया 3 लैम्डा आ गया 4 लैम्डा आ गया 5 लैम्डा या ये n लैम्डा है तो दो वेव्स जुड़ करके हम नहीं कंस्ट्रक्टिव बनता है। लेकिन अगर आपका पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 आ गया 3 लैम्डा बाय 2 आ गया 5 लैम्डा बाय 2 आ गया तो सब केस में क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि अब अगर हमें इन दोनों वेव्स का पार्ट डिफरेंस पता लग जाए तो हम बता सकते हैं आसानी से कि पी पॉइंट पर इस तरीके का फर्स्ट इंटरफेरेंस हुआ। तो एक टर्म करते हैं दोनों वेव का पार्ट डिफरेंस निकालते हैं। अच्छा डिफरेंस निकालने के दो तरीके होते हैं पता है भैया, एक तो क्या करो भैया दोनों चीजों को आपस में माइनस करो, इसकी लंबाई माइनस इसकी लंबाई करो तो पार्ट डिफरेंस पता लग जाएगा दोनों में लंबाई कितनी का लंबाई में कितना डिफरेंस है। या एक और तरीका यहां से क्या करो परपेंडिकुलर लाइन खींच दी भैया, ये परपेंडिकुलर लाइन खींच दी है मैंने इसके ऊपर तो ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट क्या बराबर है ये पार्ट एक्स्ट्रा दैट इज पार्ट डिफरेंस क्या कहेंगे भैया पार्ट डिफरेंस इसे पार्ट डिफरेंस है जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हमने क्या किया पार्ट डिफरेंस उसको निकाला गया ठीक है। तो ये दो तरीके अब बताओ आपको टुच्चा वाला तरीका बताया जाए दिमाग वाला तरीका बताया। दिमाग वाले तरीके के लिए गणित का ज्ञान होना जरूरी है ठीक है भैया, तो दिमाग वाला तरीका करण बोल रहे दिमाग वाला तरीका तो भैया करण के हिसाब से करा जाता है ठीक है यहाँ से लाइन ध्यान दो सेंटर से ये कितना घुमा रही है थीटा यहाँ से भी लाइन ध्यान दो ये भी इससे कितना लाइन लिया थीटा ही बता दे रहा हूँ यहाँ पे यहाँ पे जब अब दिमाग वाला तरीका करोगे ध्यान दीजिए जब दिमाग वाला तरीका करोगे तो ये देखिए भैया ये क्या भैया डी ये क्या भैया दोनों स्लिट के बीच का सेपरेशन दोनों स्लिट्स के बीच का सेपरेशन और ये क्या भैया कैपिटल डी स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन बता दिया है कि हेयर कैपिटल डी इज मच मोर बेटर देन स्मॉल डी ये चीज बहुत दूर है ये चीज बहुत पास है। अब देखिए ध्यान दीजिए भैया यही से समझना है आपको अगर ये दोनों बहुत पास होंगे एस वन एस टू बहुत पास और ये चीज बहुत दूर है तो यहाँ से ये वाली रे और ये वाली जो रे गई होगी वो दोनों एक दूसरे का मान लीजिए S1 ये रहा S2 ये रहा S1 ये रहा S2 ये रहा और ये रहा आपका P पॉइंट। अगर मैं यहां से एक लाइन खींचू और एक लाइन यहां से खींचू तो अगर आप इस तरह छोटे से रेंज में देखोगे तो दोनों आपको पैरेलल दिख रही है ये भैया हमें कह रहा हूँ कि जो S1 S2 है वो इस पॉइंट से बहुत दूर है तो जो अगर बहुत दूर होंगे तो दोनों लाइन आपको पैरेलल दिख रही है क्या दिखेंगी पैरेलल। तो भैया देखिए मैंने बोला कि ये जो डी है यानी पी पॉइंट की दूरी ये भैया वो एस वन एस टू से काफी ज्यादा है। सो जब ऐसा होगा तो आपको एस वन पी बराबर में एस टू पी एंड एस वन पी पैरेलल टू एस टू पी कह रहा है इन दोनों की लंबाई भी आपको बराबर दिखेगी और ये दोनों आपको पैरेलल भी दिखेगी। लेकिन एक बात ये ध्यान रखना कि एजम्पशन है ये क्या है भैया आपकी एजम्पशन है और आप एजम्पशन वहीं पर प्रूव करते हो जहां पे आपका रिजल्ट जीरो रहा है। अगर एजम्पशन आप जीरो ऐसे ऐसी जगह पे कर दोगे कि भैया आप एजम्पशन का आपका रिजल्ट जीरो हो जाए तो उससे एजम्पशन का कोई फायदा नहीं है भैया। आप एजम्पशन ऐसी जगह पे प्रूव करोगे जहां से आपका रिजल्ट जीरो ना है ठीक है भैया। तो उसको लिखते हैं यही बस यही था आप दिमाग पर तरीके का स्पीड का जैसे कि आपको पता है कि ये वाली जो लाइन है वो इसके ऊपर क्या है ये वाली लाइन डॉटेड वाली लाइन वो इस लाइन पर क्या है आपको पता है ये और ये दोनों क्या है ये दोनों और ये दोनों क्या है पैरेलल। अगर इसके ऊपर परपेंडिकुलर तो इसके ऊपर भी क्या होगी परपेंडिकुलर ही होगी दोनों पर इससे अगर ये दोनों पैरेलल है हमने मान लिया अब क्यों माना क्योंकि ये बहुत छोटा और वो बहुत दूर है तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होगी पैरेलल होगी। तो अगर ये वाली लाइन जो है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर तो इसके ऊपर भी क्या होगी। अच्छा ये थीटा है तो क्या होगा भैया 90 माइनस थीटा ये और लाइन यहां से एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा तो ये वाला कितना है भैया थीटा ये वाला है कितना ये वाला ट्रायंगल में ट्रायंगल दिख रहा है ये ट्रायंगल दिख रहा है ये क्या डी
ये वाली डॉटेड लाइन आपकी और ये क्या भैया पार्ट डिस्टेंस, ये क्या हो गया थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे एक्स एक्सेल आया हो, ये छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा आपको ये वाला, इसमें ये देखिए दोबारा बोल रहा हूं भैया इस लाइन के ऊपर ये डॉटेड लाइन क्या करता है, इधर अगर आपको पता है ये एंगल थीटा है तो इतना एंगल कितना होगा, ये अगर थीटा तो 90 माइनस थीटा, और आपको पता है भैया ये डॉटेड लाइन इसके ऊपर क्या है, ये डॉटेड लाइन इसके ऊपर क्या है परपेंडिकुलर, तो अगर ये 90 माइनस थीटा तो क्या हो गया आपका थीटा, तो इस ट्रायंगल को हमने इधर बना दिया एक्स्ट्रा इधर बना दिया ठीक है भैया, तो आपको ये डी पता है थीटा पता है तो आप पाथ डिफरेंस की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है भैया, तो लॉग पाथ डिफरेंस क्या होगा, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस क्या हो गया डेल्टा पी की वैल्यू, तो अगर देखिए ये क्या है इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस ये क्या परपेंडिकुलर क्या है थीटा, तो आपको पता है साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर, कौन है हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर क्या है डेल्टा पी और हाइपोटेन्यूस क्या है ये ना, चलो अब दूसरे तरीके से चलते हैं, आपको पता है एक ट्रायंगल ये भी बनता है ये डॉटेड लाइन दिख रही है, इसमें का बेस पता मुझे और क्या पता है परपेंडिकुलर, तो व्यू ऑल्सो नो ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है, हमने कहा था कि एस1 एस2 और छोटा हो गया के ओ ओ ना हो गया नो ओ नहीं हो गया एल ना हो गया, ठीक है भैया ये खास भी काम है ट्रायंगल एस1 एस2 भैया आपको पता है थीटा बहुत छोटा होता है तब क्या होता है साइन थीटा जो होता है वो टैन थीटा के, पता है जब थीटा बहुत छोटा होता है साइन थीटा टैन थीटा आपस में क्या होता है साइन थीटा के लिए क्या डेल्टा पी अपॉन में एक्स डी और टैन थीटा क्या भैया एक्स अपॉन में, तो भैया ये क्या हुआ डेल्टा पी की वैल्यू पार्ट डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी स्मॉल डी एक्स अपॉन में कैपिटल, ये हो गया आपका भैया पाथ डिफरेंस है, फटाफट कॉपी कर लो भैया सबसे मेन चीज है आप ये हो गया तो सब कुछ आएगा टीचर का टॉपिक हो जाए आप कुछ नहीं बचा सकते, अब इसकी कोई औकात नहीं बची, किसको किसको क्लियर है चीज सबसे मेन यही है भैया, एक बार रिपीट करूंगा जल्दी से बता दीजिए हाथ लगा लीजिए जिसके पास मैथ्स नहीं होगी थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी फिर भी मैं रिपीट करूंगा इस चीज को, मैंने क्या किया भैया डायग्राम तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है भैया मैंने क्या किया एस1 से एक बीम खींची एस2 से एक बीम खींची और एक सेंटर से एक लाइन खींची दी है डॉटेड लाइन, यहां से कैपिटल डी दूरी थी दो स्लिट के बीच में स्मॉल डी दूरी थी, ठीक है भैया ये एस1 स्लिट था ये एस2 स्लिट था ये सेंटर से एक लाइन जा रही है जो ओ पॉइंट पर यहां पे मिल गई, ठीक है मैंने अज्यूम किया कि ये जो डी है ये जो डी है वो स्मॉल डी से क्या बहुत बड़ा है, या अगर ये स्मॉल डी बहुत छोटा तो कैपिटल डी बहुत बड़ा, स्मॉल डी मतलब एस वन एस टू यहाँ पर है एस वन एस टू ये देखो आपका एस वन एस टू यहाँ पर है मान लीजिए एस वन ये एस टू ये था और ये डी क्या भैया बहुत बड़ा, तो आप पता है यहाँ से अगर एक लाइन खींचते हो और इस पॉइंट से एक लाइन खींचते हो दोनों आपको क्या दिख रही है पैरेलल और दोनों की लेंथ क्या दिख रही है बराबर, तो वही लिखा हुआ है कि अगर कैपिटल डी की कैपिटल डी यानी इनके बीच की दूरी जो स्मॉल डी से क्या है भैया काफी बड़ी है तो इस केस में क्या हुआ इसकी लेंथ और इसकी लेंथ लगभग क्या होगी भैया बराबर होगी और दूसरा ये और ये दोनों एक दूसरे की क्या हुई है पैरेलल, लेकिन ये अजम्पशन है ये आपको वही प्रूव करनी है जहां पे आपका रिजल्ट जीरो रहा है दोबारा रिपीट करते हैं, ठीक है भैया तो देखिए भैया ये एंगल थीटा है तो आपको पता है ये भी पैरेलल है सारी लाइंस का ये दोनों पैरेलल है ये पैरेलल ये सारी पैरेलल होगी दूसरे की, क्योंकि ये चीज बहुत छोटी है और वो बहुत
ये तो ये वाली, ये ब्रैकेट वाली और ये वाली भी आपस में क्या है ये भैया। तो अगर ये थीटा बना रही है तो आपको पता है ये भी थीटा बनाएगी और ये भी कम आएगी। आपने ये भी देखिए अभी अभी ये वाली लाइन जो है हमने क्या डाला इसके ऊपर परपेंडिकुलर, तो आपको पता है जैसे कि ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर है तो ये इसके ऊपर भी क्या हो गया परपेंडिकुलर। अच्छा ये थीटा पे क्या बनना है माइनस थीटा, और आपको पता है ये डॉटेड लाइन जो है वो इस लाइन के ऊपर क्या, ये डॉटेड लाइन इस लाइन के ऊपर क्या हो गया परपेंडिकुलर। अगर ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, देखो 90 ये 90 माइनस थीटा तो ये कितना हो गया थीटा, ये पता लग गया थीटा। तो इस ट्राइंगल को हमने क्या किया अलग बना दिया, ये जो ट्राइंगल बना है एस वन एस टू और एल, S1, S2 और L, इसको अलग बना के जहाँ पे ये क्या अभी आप हाई को देंगे से क्या आप परपेंडिकुलर क्या, तो इस ट्रायंगल को देखेंगे तो क्या हुआ साइन थीटा परपेंडिकुलर बन रहा है, हाई को देंगे परपेंडिकुलर डेल्टा की हाई को देंगे क्या समझ लीजिए ये भैया इस ट्रायंगल से हमने निकाल दिया साइन थीटा। अच्छा आपको ये भी पता है कि यहाँ पर भी एक ट्राइंगल बना हुआ है क्या है पी पी एम ओ पी एम ओ है ना भैया, पी एम ओ में परपेंडिकुलर आपको दे रखा है यहाँ से आगे की दूरी बेस की दूरी क्या परपेंडिकुलर होगा अगर मैं बोलू भैया अगर मान लीजिए पॉइंट पी पर क्या हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा, तो इस डेल्टा पी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अब कंस्ट्रक्टिव कब होता है जब पाथ डिफरेंस क्या हो एल लैम्डा के बराबर हो। ये भैया इफ पॉइंट पी इज द प्लेस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो पाथ डिफरेंस क्या है भैया एल लैम्डा। अगली क्लास में इसको और हम डिटेल में सॉल्व करेंगे, अभी तो जा रहा हूं मान लीजिए पॉइंट पी पर कंस्ट्रक्टिव हुआ है तो इसका मतलब पार्ट डिफरेंस आपको कुछ इस तरीके से आना चाहिए, और अगर डिस्ट्रक्टिव हुआ है इफ पॉइंट पी इज द प्लेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो पार्ट डिफरेंस का डेल्टा पी की वैल्यू 2L+1 लैम्डा बाय 2 ये भैया, तो इस तरीके से आना चाहिए ये भैया। अगली क्लास में इसको सॉल्व करेंगे, अभी है टाइम अपने पास, टाइम तो खत्म ही हो गया ठीक है भैया। अगली क्लास में इसको सॉल्व करेंगे और पोजीशन और फिट दोनों को ही कैलकुलेट करेंगे, अभी इतना ही करूंगा क्योंकि भैया अगर मैं ज्यादा करा दूंगा तो दिक्कत होगी ठीक है भैया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस डायग्राम को और इस वीडियो को दोबारा देखना आपको अच्छे से समझ आएगा। थोड़ी अगली क्लास में चालू होगी।